फ्रेंड्स, स्टीव जॉब्स को कौन नहीं जानता? यस, द पर्सन हु इज द फाउंडर ऑफ एप्पल एंड वन ऑफ द मोस्ट फेमस एंड इंस्पायरिंग पर्सनालिटी ऑफ द वर्ल्ड। क्या आपको पता है, स्टीव जॉब्स कभी भी अपने गाड़ी पर नंबर प्लेट नहीं लगाया, क्योंकि वह जहां रहते थे कैलिफोर्निया में, वहां पर एक रूल है कि गाड़ी के नंबर प्लेट मिलने में 6 महीने का वक्त लगता है। और मजेदार बात यह है कि स्टीव जॉब्स 6 महीने होने से पहले ही गाड़ी चेंज कर देते थे। फ्रेंड, कैलिफोर्निया इज अ स्टेट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। स्टीव जॉब्स को गोद लिया गया था। उन्होंने केवल एक सेमेस्टर के बाद ही अपना कॉलेज छोड़ दिया था, क्योंकि जिस कॉलेज में वह पढ़ते थे वह काफी महंगा था और इस कारण उनके माता पिता की सारी जमा पूंजी उसमें खर्च हो रही थी। उन्होंने कॉलेज तो छोड़ दी, लेकिन कैलीग्राफी लिखने के बड़े शौकीन थे, उसे नहीं छोड़ा। वह कोक वगैरह की बोतल बेचकर खाना खाया करते थे और हफ्ते में एक बार भरपेट खाना खाने के लिए वह हर रविवार पैदल 11 किलोमीटर चलकर एक श्री कृष्ण जी के मंदिर जाते थे और वहां भर पेट खाना खाते थे। और तब से वे आध्यात्मिक ज्ञान यानी स्पिरिचुअल नॉलेज प्राप्त करने में बहुत रुचि लेने लगे। इसीलिए वह भारत आना चाहते थे और वह भारत आए भी। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में लगभग 7 से 8 महीने बिताया और इस प्रकार इन सब से प्रभावित होकर वे इंडियन ट्रेडिशनल स्टाइल के कपड़े पहनना शुरू कर दी। उनके बारे में एक लेखक लिखते हैं कि जब मैं एक बार स्टीव जॉब्स के घर गया था तो उनके कमरे में कोई भी फर्नीचर नहीं था, केवल एक फोटो टंगी थी, वह अल्बर्ट आइंस्टीन के थे। तब पता चला मुझे कि वे आइंस्टीन को अपना आदर्श मानते थे। इसके साथ ही वह गौतम बुद्ध से भी बहुत प्रेरित थे। वह हमेशा कहते थे, आप ध्यान यानी मेडिटेशन के जरिए सत्य को जान सकते हैं, साथ ही अपनी क्षमताओं को भी काफी बढ़ा सकते हैं, और उन्होंने ऐसा किया भी। फ्रेंड्स, जिस एप्पल कंपनी के बदौलत स्टीव जॉब्स महज 25 साल की उम्र में करोड़पति बन गए, 1984 में अपने ही कंपनी से उन्हें निकाल दिया गया था। स्टीव जॉब्स ने एक बार कहा था, मुझे टेलीविजन बिल्कुल भी पसंद नहीं है और एप्पल कंपनी कभी भी टीवी नहीं बनाएगा। गूगल के फाउंडर चाहते थे स्टीव जॉब्स उनकी कंपनी में काम करे, पर ऐसा कभी नहीं हुआ। फ्रेंड्स, स्टीव जॉब्स को लीवर से जुड़ी हुई बीमारी थी। उनके मरने से 2 वर्ष पूर्व एप्पल के सीईओ टीम कुक ने अपने लीवर का कुछ हिस्सा देने का ऑफर दिया था, लेकिन स्टीव जॉब्स ने मना कर दिया। 2011 में उनका निधन हो गया। उन्होंने कभी अपनी कंपनी एप्पल के लिए किसी वारिस की घोषणा नहीं की थी। फ्रेंड्स, चाहे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के मालिक बिल गेट्स हो या फेसबुक के मालिक मार्क जुकरबर्ग या फिर एप्पल के स्टीव जॉब्स, इनमें एक बात कॉमन है, इनमें से किसी के पास भी कॉलेज की डिग्री नहीं है। और हाँ, क्या आपको पता है स्टीव जॉब्स के आखिरी शब्द क्या थे? उनका आखिरी शब्द था, ओह वाओ। आई डोंट नो, बट उनका ऐसा कहना, मुझे लगता है उन्हें अपने जीवन की संघर्ष यात्रा बहुत ही अच्छी लगी होगी, इसलिए उन्होंने ओह वाओ कहा था लास्ट टाइम। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इट्स मन्यू। स्टे ट्यून्ड विद मी फॉर मोर लाइक दिस।